अगर एक बालक जो विज्ञान संकाय से संबंध रखता है, साइंस स्ट्रीम को बिलोंग करता है, उसके जो टॉपिक रहेंगे दैट शुड ओनली बी फ्रॉम द साइंस आस्पेक्ट, नॉट फ्रॉम द अदर सब्जेक्ट लाइक संस्कृत हो गया, एसएसटी हो गया या दूसरे सब्जेक्ट। प्लीज एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को भी बच्चा फॉलो करेगा और टॉपिक वही रहेंगे और भी क्लास 6 to 10, नॉट बियॉन्ड दैट। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे कमर्स सब्जेक्ट को अडॉप्ट करते हैं उनके लिए ऑप्शन रहेगा कि वो प्लस 1 और प्लस 2 में से ही अपने टॉपिक्स को डिसाइड करता है, क्योंकि जो कमर्स सब्जेक्ट हमारे पास है वो हाई स्कूल लेवल में नहीं होता है, प्लस 1 एंड प्लस 2 प्लस। क्लियर पहला हो गया असाइनमेंट ऑफ द रोल और दूसरा था सिलेक्शन ऑफ द स्किल्स एंड द टॉपिक। टॉपिक बच्चा चूज करेगा कॉपी के लिए, नॉट टू टू द कन्वीनियंस ऑफ द टीचर। नाउ थर्ड जो स्टेप हमारे पास है दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ द वर्क शेड्यूल। वर्क शेड्यूल बनाया जाता है, वर्क शेड्यूल मीन्स हम लोग भी एक वर्क शेड्यूल बनाते हैं कि वह किस समय वी हैव टू लेफ्ट का वर्क हो और टू डेलीगेंस टू बी अवर डेली रिक्वायर्ड प्लान। कौन सा बच्चा है जो कि पहले अपना लेसन प्लान डेमोंस्ट्रेट करेगा, कौन सा बालक है जो कि ऑब्जर्वर की भूमिका का निर्वाह करेगा। अब यहाँ पे द कन्वीनियंस ऑफ द टीचर कैन टेक प्लेस या द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स कैन टेक प्लेस। अगर कोई बच्चा अपनी इच्छा से पहले आना चाहता है दे शुड बी वेलकम, दे शुड नॉट बी फोर्स, नहीं आप नहीं आ पाते। अगर एक बच्चा स्वयं से कोशिश कर रहा है कि वो आगे आएगा, लेट देम कम इन, नॉट एक गोल। क्लियर प्लीज एक प्रॉपर वर्क शेड्यूल बनाएंगे, कौन सा बच्चा पहले आएगा, कौन सा बच्चा बाद में आएगा। और ये भी जो वर्क शेड्यूल रहेगा इसमें भी हर एक बच्चे को हम लोग चांस देंगे, हर एक बच्चे को हम लोग मौका देंगे कि वो हर एक भूमिका का निर्वहन करे। किस प्रकार से वर्क शेड्यूल तय किया जाएगा, अगर एक ही बच्चा टीचर की भूमिका का निर्वाह करेगा, अगर एक ही बच्चा ऑब्जर्वर की भूमिका का निर्वाह करेगा, देन दैट विल आल्सो नॉट बी कन्वीनियंट अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल टीचर। क्लियर दैट इज द थर्ड स्टेप रिगार्डिंग द वर्क शेड्यूल। मेक अपॉन सिमुलेटेड टीचिंग अ बेटर एंड स्किलफुल ट्रेनिंग टू प्रिपेयर अ बेटर डॉक्टर। ओके टू प्रिपेयर अ बेटर टीचर। द फोर्थ स्टेप इज द डिटरमाइनिंग टेक्निक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द सिमुलेटेड determining techniques of observation. Now, under this step, at this stage, decision is taken, निर्णय लिया जाता है about the type of observation. About the type of observation technique to be adopted. कि हम लोग बच्चे को जो ऑब्जर्व करेंगे उसकी ऑब्जर्वेशन के लिए हम कौन सी टेक्निक को फॉलो करेंगे और किस प्रकार का डाटा रिक्वायर्ड रहेगा, कौन सा डाटा हम लोग लेंगे रिगार्डिंग द सिमुलेटेड टीचिंग।
और वो जो डाटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है रिगार्डिंग प्लास्टिक ब्रीडिंग, उस डाटा को हम लोग किस प्रकार से बेटर करेंगे ताकि बच्चे की जो कमियां है या बच्चे की जो स्ट्रेंथ हो सकता है, हालांकि है कि नहीं है टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है, लेकिन फिर भी देयर आर सर्टन इनबॉर्न टीचर, तो देयर कैन बी सर्टन स्ट्रेंथ इन द टीचर। कौन सी टेक्निक हम लोग फॉलो करेंगे, किस प्रकार का डाटा हम लोग कलेक्ट करेंगे और वो जो डाटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है उस डाटा को हम लोग किस प्रकार से इंटरप्रेट करेंगे, दैट इज द फोर स्टेज ऑफ द सिमुलेटेड टीचिंग इज डिटरमाइनिंग द टेक्निक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्लियर? अगर हम लोग परिभाषा की बात करें कि है तो फिक्स्ड परफॉर्मर, दैट इज ऑलरेडी फिक्स्ड इन द लास्ट स्टेज। हम लोग ऑब्जर्व करते हैं रिगार्डिंग द स्किल्स जो हम लोग देखो करवाते हैं ऑलरेडी पांच स्किल्स हम लोग करवाते हैं, उन्हीं के रिगार्डिंग हम लोग पूरे करवाते हैं और उसी के अनुपात हम लोग डाटा भी कलेक्ट करते हैं और उसी डाटा को फोर स्टेप डिटरमाइनिंग द टेक्निक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। नाउ द फिफ्थ स्टेप इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन। Organization of the first practice session, that is at the fifth step, that means that is the last step of the skill of stimulative teaching. पहले चार step के assignment of the role, determining the skills and topic, third the preparation of work schedule, fourth the ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्निक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन और पांचवा हमारे पास रहेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन। मीन्स जब हम लोगों ने हर एक चीज बच्चे से ऑर्गेनाइज कर ली, कौन सा बच्चा किस भूमिका का निर्वाह करेगा, कौन सा बच्चा किस भूमिका को अपने ऊपर अच्छे से इम्प्लीमेंट करेगा, कौन सा बच्चा पहले लेसन प्लान डेमोंस्ट्रेट करेगा, देन वी आर रेडी फॉर द फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन। और फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन में हम लोग बच्चे को अवसर देते हैं टू प्रेजेंट देमसेल्फ व्हिच वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। नाउ और एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन है, इसमें जो ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है बालक के टीचिंग बिहेवियर को, बालक का टीचिंग बिहेवियर कैसा है, बिकॉज वी आर गोइंग टू ट्रेन द टीचर एंड फॉलोड बाय द फीडबैक एंड सजेशन फॉर द फर्दर इम्प्रूवमेंट। फीडबैक भी हम बालक को उसी समय दे देंगे जब बालक अपने कर प्रभाव होता है साइड बाय साइड, नॉट एक मस्ट टाइम। बच्चे ने प्रेजेंट किया, लेसन प्लान प्रेजेंट किया, अगर बालक में सुधार की आवश्यकता है, होती है, इज नॉट अ परफेक्ट टीचर, इवन अगर हम बात करें we are also a teacher, teaching from so many years. We have much teachers which have the teaching experience from around about 5 to 6 years, 10 years, but not still further perfect. Need improvement in our teaching. So, what the balak has to learn, which is going under the training period, so suggestion for the further improvement should be given to the child. And the last stage, the step of the stimulative teaching, that is the alteration of the procedure. So, procedure humne adopt kiya hai, us poore procedure ko kya karenge, alteration karenge, ya simple shabdon mein kahenge, we just change the whole procedure. Change the whole procedure means, change the teacher, change the student, and change the skill. स्किल हम लोग चेंज नहीं करते,
ऑब्जर्वेशन करते हैं, चेंज द ऑब्जर्वर। ठीक है, कहा था अगर हम एक ही बच्चे को मौका देंगे फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द टीचर, इट जस्ट कैन चेंज द होल प्रोसीजर, चेंज द स्टूडेंट, चेंज द रोल ऑफ द टीचर, चेंज द रोल ऑफ द ऑब्जर्वर, दैट इज कॉल्ड द ऑल्ट्रेशन ऑफ द प्रोसीजर। ठीक है, दैट इज द सिक्स्थ स्टेप विच कम्स अंडर द प्रोसीजर ऑफ द सिमुलेटेड स्पीच। नाउ इफ यू मूव टुवर्ड्स अवर थर्ड स्टेप ऑफ द प्रेजेंटेशन, दैट इज द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल सिमुलेटिंग स्पीच। क्या क्या प्रिकॉशन क्योंकि हमें लेनी चाहिए जब हम सिमुलेटिंग स्पीच करवा रहे हैं। कौन से प्रिकॉशन जो कि हमें लेनी चाहिए, लाइक पीपल टीचर शुड प्रिपेयर लेसन प्लान। हालांकि बच्चा होता कि सेशन में है, प्रैक्टिस सेशन में है, लेकिन फिर भी दे शुड प्रिपेयर लेसन प्लान। प्रिपेयर द लेसन प्लान से अच्छी हमेशा अपना लेसन प्लान आप तैयार करें, क्योंकि एक टीचर की उन्नति में जो अप्रोजेक्ट है, जो फैक्टर है, वो क्या है, इसका अनप्रिपेयरनेस, इसका बिना तैयारी कक्षा में जाना। सो इफ यू वांट टू प्रोग्रेस ऑलवेज प्रिपेयर योर लेसन, दैट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द प्रीवियस टीचर बट ऑल्सो टू द बहुत सारी
प्रिकॉशन अगर चार हैं एडवांटेज आठ दस बहुत सारे हैं, पहले भी कहा था यही वो स्टेप है जहां से हम एक प्रभावी अध्यापक का निर्माण करेंगे और एक प्रभावी अध्यापक ही एक राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य कर पाते हैं। एडवांटेज की अगर बात करें, पहली एडवांटेज इंक्रीजिंग डिसीजन मेकिंग एज निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इट वी लैक इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना किस समय किस स्किल का बालक को उपयोग करना है, इसके लिए वायल पीजी आयोजन ही है तो मेरी दस किलो फ्री इन्फोर्समेंट और बालक उचित समय पर उचित निर्णय लेने में सक्षम होगा। सेकंड, यूजफुल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग, सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है ये टेक्निक। अब हम कहते हैं कि हम लोग दो प्रकार के बालक को नोट करते हैं, एक स्लो लर्नर और एक किस लर्नर। किस लर्नर मतलब ये बोलते हैं कि आपको हर चीज आती है, यह करता कि अगर बच्चे हमको मौका दीजिए और स्लो लर्नर हम लोग और भी साइड करते हैं, लेकिन सीनियर टीचर के द्वारा हर प्रकार के लर्नर के उत्थान के लिए सहायता मिलती है, यह सहायता मिलती है, चाहे वो डिसिप्लिन लर्नर है या फिर स्लो लर्नर है। तीसरा रहेगा इमीडिएट फीडबैक, अच्छा है एडवांटेज, जैसे ही बालक ने पढ़ाया लेसन प्लान तुरंत बालक को फीडबैक फॉर कॉल फीडबैक फॉर कॉल और फीडबैक और फीडबैक फ्रॉम द टीचर होते हैं, क्योंकि ये फीडबैक ही है इस वर्क एज अ मेडिसिन फॉर रिमूविंग द वीकनेसेस ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट, परफेक्ट फॉर द ऑल द सब्जेक्ट, हर प्रकार के विषय में हम सिंगल टीचर को यूज कर सकते हैं, चाहे वो टीचिंग ऑफ संस्कृत है, टीचिंग ऑफ साइंस है, लेकिन मेरे ख्याल से टीचिंग ऑफ आर्ट्स का हम इसमें शामिल नहीं करते हैं, प्लानिंग इसमें शामिल नहीं करते हैं। और इसके अलावा मैक्सिमम सब्जेक्ट्स हम लोग के द्वारा हेल्प कर सकते हैं और टीचिंग ऑफ द चाइल्ड। आर्ट्स का मैंने जब इससे किया क्योंकि टीचिंग जब लगते हैं तो टीचिंग जब बालक बनता है ये भी नॉट टीच द आर्ट सब्जेक्ट, इसके लिए अलग कोर्स लगे हैं। मैक्सिमम इज द offer opportunity to study and analyze the critical teaching problem. बालक के लिए पीछे रह के ऑब्जर्व करना इजी होता है, अध्यापक पढ़ा रहा है मेरी नॉलेज है, इस टीचर के पास वो नॉलेज नहीं है जो मेरे पास है, तो सिमिलर टीचिंग के द्वारा हम लोग इस प्रकार की समस्या को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो बालक स्वयं इस चीज को फेस करेगा, देन ही विल एनालाइज हाउ टू टीच द चाइल्ड, हाउ टू फेस द प्रॉब्लम व्हिच आर गोइंग टू अकर इन द रियल लाइफ सिचुएशन। नेक्स्ट वन, इट एस्टैब्लिश द लिंक बिटवीन द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पढ़ने को हम लोग पढ़ लेते हैं, बालक आपने प्रैक्टिस की थी, हम नो प्रैक्टिस, थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच का जो लिंक है वो एक सिंपल टीचिंग है, वो प्रैक्टिस एस्टैब्लिश कर पाती है। हम जो पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ द लेसन प्लान उसी को हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टाइज करेंगे इन द रियल क्लास रूम या इन द जो कक्षाएं हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। और कहा